أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सारी तारीफें खुदा के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी होस्ट सदफ़ आबदी प्रोग्राम बज़्मे निसा लेकर एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं, और जो है हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं सीमा अब्बास साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सदफ़ जी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे माज़रत ख्वाहूँ कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ताख़ीर से शुरू हुआ है कुछ वजूहात के बिना पर, और जो हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम के जो सेगमेंट हैं वो चार सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट जो है हम और हमारे मेहमान, दूसरा सेगमेंट फ़वाइद क़ुरान, तीसरा सेगमेंट रमज़ान और हमारी सेहत, चौथा और आखिरी सेगमेंट हम और हमारे मेहमान, जिसमें आप बोलते हैं, सॉरी हम और हमारे नाज़रीन, जिसमें हम बोलते हैं, आप बोलते हैं और हम सुनते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं अपने आज के प्रोग्राम का मौजू भी बताती चलूँ कि हमारे आज का प्रोग्राम है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम जो है ईद के हवाले से कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ईद पर आपको एक तोहफ़ा भी पेश करें, तो इसके लिए हमने जो है एक क्विज प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जिसमें जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम आपका नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में कुरानदाज़ी के ज़रिए आपका जो है नाम निकाला जाएगा। और आप लोग ज़रूर फ़ोन करके अपने जो है सवाल के जवाब दीजिएगा, क्या पता आप खुशनसीब हों कि आप हमारा एक क्विज़ प्रोग्राम जीत जाएं। तो अगर जो भी खुशनसीब हमारा जो कुरानदाज़ी के ज़रिए जीतेगा, तो हम ये उसको तारीख़ इस्लाम बुक है जो हम उसको तोहफ़े में देंगे, बहुत बेहतरीन किताब है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि फ़ोन करके अपने सवालों का जवाब दे सकें। अभी थोड़ी देर में हम आपसे सवाल भी करेंगे, हम आपको सवाल बताएंगे, और जब आपकी फ़ोन कॉल्स खोल दी जाएंगी तो फिर आप जवाब दीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं कराती चलती हूँ कि आज की जो हमारी पहली मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से 4 साल से हिदायत टीवी के साथ मुंसलिक हैं, और पूरे रमज़ान जो है माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी खाने की इन्होंने हमें बताना सिखाई है, हमने पूरे रमज़ान इनसे बहुत फ़ायदा उठाया है। तो हमारी पहली मेहमान है मोहतरमा निगज़ ज़ैदी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आएंगे। जी, और हमारी जो आज की दूसरी मेहमान हस्ती हैं वो भी अपनी कम्युनिटी में किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, बहुत से काम कर रही हैं, बर्मिंगम शहर में जो कम्युनिटी उनके लिए बहुत सी खिदमात अंजाम दे रही हैं, और बर्मिंगम में ही एक इदारा है, इदारा मारफा इस्लाम कमेटी, तो वो उसकी चेयर लेडी हैं मोहतरमा ताज़ीन जाफरी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर से जो है हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आईं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यकुम शवाल जो है इस्लाम में ईदुल फ़ित्र के नाम से मंसूब है, और तमाम मुसलमान इस मुक़द्दस इस्लामी त्यौहार को बड़े जोशो खरोश और ज़ौक़ो शौक़ से मनाते हैं, और ख़ुदा की रहमतों और बरकतों का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जो है हमें रमज़ान में रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाई, इतना बाबरकत महीना जो है हमें अता किया। और अच्छा, ये देखा जाता है कि माह रमज़ान का जब आखिरी रोज़ा रह जाता है तो शब ईद वाले दिन यानी जो चांद रात के नाम से भी बहुत मशहूर है, जानी जाती है, तो मुसलमानों की अक्सरियत तादाद जो है वो अपनी पुरानी रविश पर जो है पलट कर आ जाती है, इस खुशफहमी के साथ कि जो गुज़िश्ता 11 महीनों के हमारे गुनाह थे, हमने वाजिबात छोड़े हैं, और जो कुछ भी हमारी कोताहियाँ हुई हैं वो एक महीने में सब कुछ धुल चुकी हैं, और फिर उसी हम अपने रूटीन पर वापस आ जाते हैं, और हर वो गुनाह जिसमें इस्लाम में जो है रोज़मर्रा में बहुत सख्ती से ममानियत की गई है वो जो है हम दोबारा अंजाम देने लगते हैं। अच्छा, चांद रात जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की
हामिल है इबादत के हवाले से, लेकिन देखा यह जाता है इस रात में ऐसी गहमा गहमी और ईद की बेएतदाल तैयारियाँ हो रही होती हैं और ऐसे ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं कि लगता ही नहीं है कि हमने जो है रमज़ानुल मुबारक से जो है कुछ सबक हासिल किया है। एक दिन होता है चांद रात का, लेकिन हम पूरे रमज़ान की इबादतें तकवा वगैरह भुला के बैठ जाते हैं। इसी सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स शब ईद इबादत में गुजारेगा उसका दिल उस रोज़ मुर्दा ना होगा जिस दिन के खौफ की वजह से लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। चांद रात के नाज़रीन बहुत सारे आमाल भी हैं इबादत के हवाले से जिनका ज़िक्र हम आगे प्रोग्राम में भी करेंगे, तो बस कोशिश करें कि जो हमने रमज़ान में इबादतें की हैं, तक़वा इख्तियार किया है, अपने आप को बुरी चीज़ों से कंट्रोल किया है, तो वो हम चांद रात को ख़त्म ना कर दें। अच्छा, आज मुसलमान मुल्कों में जो है इस त्यौहार की सच्ची हकीकी खुशियाँ जो हैं कहीं नापहद हो चुकी हैं। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर जो है लोग ईद वाले दिन गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो बहुत तल्ख हकीकत है कि बिल्कुल जो है खुलूस लोगों में ख़त्म हो चुका है। सिर्फ रस्मी तौर पर हम लोग ईद मुबारक करके जो है हम गले मिलते हैं, ना मुसलमानों की अक्सरियत जो है ना उनको हुकूकुल इबाद का कुछ ख्याल है ना हुकूकुल अल्लाह का ख्याल है। हर शख्स एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहता है कि ना जाने कल क्या हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने किसी को कोई ओहदा दे दिया है, कुर्सी दे दी है, जैसे कि हमारे हुक्मरान भी हैं, तो वो उस कुर्सी को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी आखिरी सांस उनमें बाकी है, वो जम के रह जाएंगे। चाहे उसके लिए उनको जो है तरह तरह के हरबे यूज़ करना हो, लोगों के दिल दुखाना, हुकूकुल इबाद हुकूकुल अल्लाह को जो है हम एक तरफ पीछे छोड़ना हो, वो इससे भी दरेग नहीं करेंगे। तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईद सिर्फ इसके लिए जिसके रोज़ों को खुदा वंदे आलम ने कबूल कर लिया हो, इसकी नमाज को कदर व मंजिलत की निगाह से देखा गया हो, और वो दिन जिसमें अल्लाह की मासियत ना की जाए वो दिन ईद का है। नाज़रीन, ईद जो है सिर्फ ये नहीं कि हमने बेहतरीन से बेहतरीन महंगे से महंगा लिबास जो है ज़ेबतन कर लिया, बल्कि ईद इसका नाम है कि अपने नफ्स को तर्क करना, गरीबों की, मोहताजों की, यतीमों का, इन सब का एहसास करने का नाम जो है वो ईद है। बस खुदा की बारगाह में दुआगो हैं कि हम सबको चांद रात और ईद का दिन इस तरह से गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह से हमारे मासूमीन गुजारा करते थे। तो इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खुदा की हम्द से करना चाहूँगी। दुरूद का सहारा चाहती ज़मीन से अर्श पे तारे उछालने वाले, ज़मीन से अर्श पे तारे उछालने वाले, भंवर से नूह की कश्ती निकालने वाले, मुईद माजिद व माबूद और मुईद है तू, हमारा पैकर खाकी संवारने वाले, कदीर कादिर व गफ़ार व अव्वल व आखिर, कदीर कादिर व गफ़ार व अव्वल व आखिर, निज़ाम शम्स व कमर को संभालने वाले, मिला के आप में खाको हवा को आतिश को, मिला के आप को खाको हवा को आतिश को, फिर इस खमीर को बंदा पुकारने वाले, ज़मीं पे सब्ज़े की चादर बिछाई कुन कहकर, ज़मीं पे सब्ज़े की चादर बिछाई कुन कहकर, ए फर्श खाक की किस्मत निखारने वाले, ए फर्श खाक की किस्मत निखारने वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन,
प्रोग्राम बज़्म निज़ाम में आपकी मेज़बान सीमा अब्बास आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती है और ख़ुदा की बारगाह में तहे दिल से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ पर भी हों और जहाँ जहाँ से इस वक्त हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, आप सबको खुदा खैरियत से रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे और ईमान के साथ इलाही आमीन। और खुदा से मैं दुआ गो हूँ कि बहक के चहादा मासूमीन और बहक के वक्त के इमाम के आप सबको कोई भी गम ना मिले सिवाय गम हुसैन। इलाही आमीन। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ कि हमने आज अपना प्रोग्राम थोड़ा सा ताखीर से शुरू किया है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है शाम के 4 बजे तक आपके साथ जारी रहेगा और जैसा भी सदफ ने आपको बताया उसमें क्विज़ भी शामिल होगा और इसके अलावा हमारा मौजू भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ साथ रहें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान की आखिरी सातें हैं, वो माह जो बरकतों रहमतों वाला था, जिसकी हर घड़ी हर सात हम पर रहमत इलाही की साया किए हुए थी, अब हमसे रुखसत हो रहा है। बहुत ही बोझल दिल के साथ, बहुत ही दुख के साथ हम इस बाबरकत माह को अलविदा कहने जा रहे हैं, क्योंकि नहीं मालूम कि अगली बार ये बाबरकत घड़ियाँ, ये सातें हमारे नसीब का मुकद्दर बनेंगी कि नहीं बनेंगी, किसी को नहीं मालूम। लेकिन खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की बारगाह में यही अल्तिजा है, बल्कि रुआ रुआ सरापा दुआ है कि ये माह जो अभी गुज़रा है, इस माह की रहमतें और इसके रोज़ों के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा जो है वो माफ़ फरमाएँ और वो ट्रेनिंग या वो आदतें जो इस माह मुबारक में हम में पैदा हुई हैं या खुदा की मेहरबानी से हम में आई हैं, यानी तख्वे की या सेल्फ़ कंट्रोल की आदतें, ये आदतें जो हैं हमारे साथ तमाम साल जारी रहें और हमारी ज़िंदगी ऐसे बसर हो कि जो सिर्फ़ अतात इलाही, उसकी इबादत और शुक्रगुजारी में गुजरे। इलाही आमीन। ये 30 दिन हमारे लिए एक ऐसी तरबियत गाह हैं कि जहाँ हम अपने दिल की मर्ज़ी और नफ्स के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और कुर्बत के लिए अमल करते हैं। इसलिए उसने हमें इस माह रमज़ान में कुरान का तोहफ़ा बख्शा। लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रातें हमें तोहफे के तौर पर दीं। ये नेमतें हमें इस बारे ताला की तरफ से हर साल अता होती हैं। वो इस माह मुबारक में हमें ये तोहफे देता है ताकि हमारे कुलूब में नूरानियत और नफ्स में पाकिजगी पैदा हो। बेशक किस कदर रहीम व करीम है वो ऊपर वाला के बार बार मौके देता है अपने गुनाहगार बंदों को के अभी भी मौका है, आ जाओ मेरे दर पर, पालो मेरे रहमतों को और फैज़याब हो जाओ मेरे करम से। इस सिलसिले में मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह माह रमज़ान में मुंतखब करता है जन्नतियों को। इस माह में सिलेक्ट होते हैं जन्नती अल्लाह की नज़र में। सुभान अल्लाह। तो सोचे कौन होंगे वो खुश नसीब कि जिन्हें अल्लाह ने इस माह में इस एजाज़ के काबिल समझा होगा, उसकी नज़र करम ने चुन लिया होगा ऐसे लोगों को जिनको वो अपनी जन्नत में उनके ईमान, किरदार और आमाल की बिना पर अपनी बारगाह में उनको कबूल करे। और फिर अल्लाह ने तमाम दरवाज़े रोज़ेदारों के लिए जिन्होंने सब्र शुक्र और अतावत खुदाबंदी के साथ इस माह के रोज़े रखे हैं, उनको इनाम बख्शा है ईद की शक्ल में। ये अल्लाह का इनाम है रोज़ेदारों के लिए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का तोहफ़ा है मुत्तकी बंदों के लिए। लेकिन ईद की खुशियों के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आया हमने इस माह रमज़ान का हक़ सही मानों में अदा किया है या नहीं। इसके लिए हमें एहतसाब करना पड़ेगा, अपना सेल्फ असेसमेंट कि आया इस माह में हमने क्या खोया और क्या पाया। क्या ये माह हमारे अंदर किसी किस्म की कोई पॉजिटिव चेंजिंग या तब्दीलियाँ लेकर आया है या नहीं। क्या हमने अपने तौर तरीक़ों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस माह की फजीलतों से कुछ फ़ायदा उठाया कि नहीं। और ये भी देखें, अपने पर नज़र डालें कि इन 30 दिनों में जो हमारे नफ्स की कंडीशनिंग हुई है या सर्विस हुई है, उसकी बदौलत हमारे अमल में कोई बदलाव आया कि नहीं।
क्योंकि मासूम का कौल है कि माह रमज़ान के अगर सारे अमाल का जायज़ा लेना है तो उसका दारोमदार ईद के दिन आपको पता चलता है कि अगर आप में कोई तब्दीली आ गई है तो समझ लें कि आपके अमाल कबूल हो गए। बेशक। और अगर आपको लगा कि आप में कोई तब्दीली नहीं आई तो ये रोज़ा और ये भूख या प्यास, ये तमाम चीज़ें ज़ाया हो गई हैं। इसलिए एहतसाब जो है वो करना ज़रूरी है, अपने आप को जांचना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन आपने रोज़ा रखा, भूखे रहे, प्यासे रहे, रातों की शब्बेदारी की, नमाज़ें पढ़ी, इबादतें करी, किसके लिए? सिर्फ़ रज़ाए इलाही के लिए, उसके क़ुर्बत के लिए। लेकिन ये तमाम रियाजतें, ये तमाम मेहनतें सब बेकार हो गई अगर आपने किसी पर तोहमत लगा दी, रियाकारी से काम ले लिया, किसी की गीबत कर दी, किसी का हक मार लिया, सारे अमाल ज़ाया हो गए। इसलिए मासूम का फरमान है कि अगर तुम में माह रमज़ान के बाद तब्दीली आ जाए तो समझ लो कि ये तमाम अमाल तुम्हारे कबूल हो गए, वरना तमाम जैसे और दूसरे माह गुजरते हैं, इस तरह ये माह रमज़ान भी आपको किसी किस्म की जो है बरकतों से फैज़याब किए बगैर गुजर जाएगा। तो नाज़रीन, आज का मौजू भी हमने मासूम की इसी कौल के मुनासबत से रखा है कि इस माह रमज़ान में आपने क्या खोया, क्या पाया है, कौन सी आदतें तर्क करी हैं, कौन सी तब्दीलियां आप में आई हैं, चाहे ये तब्दीलियां इनफरादी हों या इज्तिमाई तौर पर, लेकिन हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ख्यालात, आपके आरा किसी और को, इससे किसी और को भी शऊर मिल जाए, किसी और को भी हिदायत मिल जाए। तो हमें फ़ोन करना ना भूलिएगा और बताइए कि इस माह में जो टारगेट, इस माह रमज़ान में जो आपने टारगेट अपने लिए रखा था, अपने आप को परहेजगार बनाने के लिए, मुंतखी बनाने के लिए, सेल्फ कंट्रोलिंग के लिए, उसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए, कहाँ तक आपकी कोशिशें जो हैं बराबर हुई। तो ये तमाम जो तजुर्बात हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम आपके फ़ोन कॉल के थोड़ी देर के बाद मुंतज़िर होंगे और हमारे साथ साथ ही रहिएगा। तो जी सदा जी, शुक्रिया सीमा, आपका बहुत बहुत जी। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हम और हमारे मेहमान। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बज़्मे निसा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी ख़वातीन को अपने प्रोग्राम में लेकर आएं जो कि रोल मॉडल हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं अपनी पहली मेहमान के पास जाऊंगी। तो जी सिस्टर निगहत, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करना चाहूँगी अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में और हाज़िरीन महफ़िल, आप दोनों सिस्टर्स और हमारी साथी मेहमान, हमारी बहन हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये शरफ़ बख्शा अपने प्रोग्राम में, इतने खूबसूरत प्रोग्राम में जो है वो मेहमान बनने की सादत नसीब हुई है मुझे। और आपका आना हम लोगों के लिए एजाज का बेशक, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है माशाल्लाह से। और जाहिर बात है कि ये जो आज आपने टॉपिक रखा है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए कि हम पूरे 30 दिन इबादत करते हैं जी, और अब आखिरी अयाम है, हो सकता है ईद कल हो जाए, परसों हो जाए, एक दो दिन भी बाकी रह गए वो रहमतें समेटने के। तो बहुत ही खूबसूरत महफिल है और इंशाल्लाह ताला जो भी हमसे कंट्रीब्यूशन होगा हम इस महफिल में ज़रूर जी बिल्कुल करेंगे इसमें बिल्कुल जी। तो आप इसी पे रोशनी डालिए कि हमने इस रमज़ान में जो है क्या खोया, क्या पाया, जैसा कि हमारा मौजू है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि माह रमज़ान का महीना ये वो बाबरकत महीना है जिसमें खुदाबंद करीम ने हमको अपनी रूह को बेदार करने का मौका दिया है। बेशक, कि हम अपनी रूह को बेदार करें, अपने आप को झंझोड़ें। रूह जब ताज़ा हो गई हमारी, पहला आशरा गुजरा, हमने झंझोड़ा रूह को, फिर हमने उसमें ताजगी पैदा की और उसके बाद हमने अपने आप को गुनाहों से दूर रखा, सुभान, खुदा के करीब हुए। अब अगर हम इस अमल को जारी और सारी रखते हैं रमजान के बाद भी, तो हमने बहुत कुछ पाया, सुभान अल्लाह। और अगर हमने वो कंटिन्यूशन जो है वो वहां पे क्लोज कर दी 30 दिन के बाद, तो फिर जाहिर बात है लॉस तो हमारा अपना है ना। ये सोचिए बस रमजान वक्फ है, इन चीजों के लिए बाकी महीनों में जो है कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो 30 दिन है इसमें हमने अपने नफ्स को ट्रेनिंग दी, हमने अपने नफ्स को ट्रेनिंग दी, अपने आप को बुराइयों से बचा के रखा। इमाम का बहुत ही खूबसूरत कौल है कि इमाम अली फरमाते हैं, किसी ने पूछा इमाम अली से कि कि हम अपने आप को गुनाहों से किस तरह दूर रख सकते हैं, तो इमाम ने फरमाया कि
जब भी आप कोई काम शुरू करें, आप काम के शुरू में खुदा को सोचें, जब दरमियान में आए तो खुदा को सोचें, और जब काम इख्तिताम पे हो तो आप खुदा को सोचें। तो रमजान में हम क्या करते हैं? रमजान में जब हम अपनी इबादत करते हैं, जब हम अपना रोजा रखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हर वक्त हमें ये फिक्र होती है कि कहीं हम कोई ऐसा काम ना अंजाम दे दे जिससे हमारा रोजा बातिल हो जाए। तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा के बारे में सोच रहे हैं, खुदा का खौफ है हमारे दिल में कि हम चाह रहे हैं कि हमारा हर कदम इस माह मुबारक में ऐसा हो कि हमें वो खुदा के नजदीक लेता चला जाए। सुभान अल्लाह। तो ये सबसे पहली बात है। फिर हमें ये देखना चाहिए, जैसे हमारी सीमा बहन ने भी कहा कि इमाम का, फिर हमें कॉल नजर आता है कि इमाम कहते हैं कि आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। बेशक। सो जो ये हमने रमजान गुजारा है, ये रमजान हमारा पिछले रमजान से बेहतर है कि नहीं? अगर बेहतर है, हमें चेंजेस आई है, तो जाहिर बात है हमारी कामयाबी है। और अगर नहीं तो खसारा हम है, हम खसारे में है। फिर उसके बाद असल में रमजान जो है वो इंसान की बेदारी और रूह के पाक करने का महीना है। हमारा मजहब क्या है? मजहब हक्का हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि अपने अंदर तदब्बुर पैदा करो, अपने सोच को जगाओ। बिल्कुल। हर वक्त सोच की दावत देता है, हर वक्त कहता है कि अपना जो है वो तस्किया नफ्स करो। तो ये इसको देखते हुए हम ये कहेंगे कि देखें, इमाम का फिर एक कॉल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मासूमीन का कॉल है कि गफलत का नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक है। शराब का नशा चंद घंटों में शायद उतर जाए, लेकिन गफलत का अगर आपकी हो गई तो बर्बादी आपकी है। तो ये जो रमजान का महीना, ये हमें गफलत से निकालता है, हमारी रूह को ताजा करता है। और क्या कर हमने क्या किया इस माह रमजान में? हमें इसमें अल्लाह की खुर्बत नसीब हुई, हमें इसमें अपने नफ्स पर कंट्रोल नसीब हुआ, हमें रूह की पाकिजगी नसीब हुई, फिर हमने अपने ईमान को करो ताजा करके तो कामयाबी हमारी हो गई। बिल्कुल। अब देखें, अगर हम सही तौर पे मुत्तकी बनते हैं इस महीने में, तो हमें ये कंटिन्यूशन जो है वो जारी और सारी रखना चाहिए, ये अमल अपना, कि हम जो है वो पूरे साल इसी तरह खुदा की कुर्बत हासिल करें, खुदा का जो है वो हम पे नजरो करम हो। बेशक। इमाम सज्जाद अलैहि सलाम से किसी ने पूछा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये खुदा का तो बंदों के ऊपर बहुत हक है, जाहिर बात है हमारा माबूद है, बिल्कुल, हमें खल्क करने वाला है, उसका तो सारा हक है हम पे, लेकिन एक मोमिन का खुदा पे क्या हक है? तो इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने फरमाया, उंगली का इशारा किया दीवार की तरफ और कहा कि मोमिन की ये शान है, मुत्तकी मोमिन की ये शान है कि अगर वो कहे कि ये दीवार सोने की हो जाए, वो दीवार सोने की हो जाएगी। इमाम का सिर्फ इशारा करना था कि वो दीवार सोने की हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की सिफत और मोमिन की शान है कि वो कहे कि हो जाए, और ये इमाम और अमीर अल मोमिनीन की शान है कि वो इशारा करे तो वो सोने की हो जाए और सूरज पलट के आ जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम ये जो दो दिन रह गए हैं, और आपने बहुत अच्छी बात की कि चांद रात के हवाले से कितनी इबादतों वाली रात है, ये इसकी भी इतनी ही फजीलत है जितनी के शबे कद्र की रातों की फजीलत है। तो इस रात को जो आखिरी रात रह गई है कि हम पता नहीं अगले साल हमें ये सादत ये रमजान नसीब हो ना हो, तो क्यों ना हम इसके हर लम्हे को हर एक एक पल से मुस्तफीद हों। और वो शब जो कि जा रही है, मासूमीन गमजदा हो जाते थे, गमगीन हो जाते थे जब आखिरी रात आती थी रमजान की, कि किस तरह हम अलविदा कहें, किस तरह हम अल्लाह की रहमतों से हो सकता है कि दूर हो जाए, गफलत बरत जाए। बिल्कुल। तो ये रमजान का महीना तस्किया नफ्स का महीना है, अपने आप को कंट्रोल करने का महीना है, और कामयाबी फिर हमारी मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपका बहुत ही मालूमात में हमारी इजाफा किया आपने। इसी बहुत ही इल्मी गुफ्तगू चल रही है, और हमारे ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।